इस टाइम मैं हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय डौलीखाल। यहाँ पे कुछ लोग हैं क्वारंटीन में, उनसे पूछते हैं यहाँ पे उनको कोई अभी तक कोई दिक्कतें वगैरह। तो सर आप ये बताइए अभी आप लोग यहाँ पे कितने लोग हो, पहले अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम है राम सिंह रावत। ओके रावत जी, आप यहाँ पे अभी कितने लोग हो? हम यहाँ पर अभी 7 लोग हैं। अच्छा अच्छा, आप लोगों को कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मैं कल ही आया हूँ यहाँ। अच्छा कल आया हूँ, अब बाकी लोगों को? जिनको हो गए 12-13 दिन हो गए। अच्छा आप उन्हीं के साथ रह रहे हो? मैं अलग कमरे में रह रहा हूँ। अच्छा आप अलग कमरे में? अलग कमरे में रह रहा हूँ। अच्छा तो यहाँ से जो है जो यहाँ पे लेटरिन बाथरूम है अलग आपके लिए फिर एक ही है? नहीं लेटरिन बाथरूम तो अभी अलग दो है यहाँ, एक नीचे है एक ऊपर है लेटरिन बाथरूम। तो आप ये सारे एक साथ यूज कर रहे हैं? जो पहले आए वो अलग को कर रहे हैं, दूसरे वाले नीचे वाले को कर रहे हैं। चलो नहीं अच्छी बात है, यहाँ पे डिस्टेंस बना के। अभी तक यहाँ पे डॉक्टर भी आए हैं कभी? डॉक्टर मैं तो कल ही आया, मेरे पास तो आए नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा आए थे। अच्छा इनका कहना है जो जिनको 7-8 दिन हो गए डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं पहले भी चेकअप करने। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है और कुछ कहना चाहोगे आप? बस जो क्वारंटाइन में हमें यहाँ सफाई का भी ध्यान रखना है, स्कूल परिसर में हम वहाँ भी ध्यान रखना है, स्कूल परिसर का भी ध्यान रखना है, अभी आपने यहाँ अपना भी ध्यान रखना है। अब 14 दिन का जो क्वारंटाइन है आपका, तो यहाँ पे आपने कुछ सोचा होगा कि यहाँ पे कुछ करें 14 दिन टाइम बिताने के लिए? हम यहाँ पर करेंगे साफ सफाई करेंगे स्कूल में, ये फूलवाड़ी क्यारीवाड़ी को बनाएंगे, कुछ कुदाल उदाल मंगाएंगे घर से। अच्छा अच्छा, कुछ सफाई करेंगे। अभी तो कोई जजर अगर कोई है यहाँ पर जैसे ये अगर पेंट उंट दे दिया जाए आपको तो आप कर लोगे सर? यहाँ कर लेंगे सर। तो इनका कहना है रावत जी का कि हम 14 दिन का टाइम हमारे पास है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं उस काम को जो आप अगर पानी भी तो लगातार है आपके लिए यहाँ पे, तो पानी का तो कुछ नहीं होगा ना? पानी है आपके लिए यहाँ पे? अभी तो मिल रहा था पर शाम के टाइम फिर पानी नहीं आ रहा था। अच्छा थोड़ा थोड़ा बहुत तो दिक्कतें आ ही रही हैं जहाँ जहाँ मैं सेंटर में देख रहा हूँ। ठीक है चलो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच रावत जी। ये थे मेरे साथ रावत जी, डौलीखाल जो क्वारंटाइन सेंटर है यहाँ पे जो अभी 14 दिन का टाइम बिता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, लगातार आपको छोटी मोटी खबर के लिए आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद, मैं हूँ संजीव नेगी, कैमरामैन सौरभ गुसाई के साथ नैंडा। दोस्तों आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़, हर छोटी मोटी खबर। तो आज मैं हूँ पटुरिया डंडा जो कि नंडा ब्लॉक में पड़ता है, और यहाँ पे जो स्कूल है आपका राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय डौलीखाल, ये क्वारंटीन में तब्दील किया था सेंटर में। तो यहाँ पे मेरे साथ भाई हैं, पहले मैं उनका परिचय लूँगा। अच्छा भाई आप पहले अपना परिचय दीजिए। मैं धर्मपाल सिंह। अच्छा राम चुरगढ़ मल्ला। अच्छा अच्छा, आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? यहाँ पे मैं 8 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे अभी आपको कोई ऐसी कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आई ना? नहीं दिक्कत तो यहाँ पे कोई नहीं है, सब ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आपको 8 दिन आप रहे? 8 दिन हो गए। हाँ जी 8 दिन हो गए। अच्छा यहाँ पे अभी कोई डॉक्टर आया चेकअप करने के लिए? नहीं डॉक्टर कोई नहीं आया चेकअप करने के लिए। अच्छा अच्छा, आगे से भी जो है कोई वो जो है गाड़ियाँ आ रही है दिल्ली से उसमें भी कोई चेकिंग नहीं हो रही बॉर्डर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, गाड़ियाँ वैसे निकल जा रही है। चलो वो तो ठीक है, वहाँ पे अभी शायद मुझे लग रहा है टीचरों की भी ड्यूटी लगी हुई है बॉर्डर पे, तो सुनने में आया। अच्छा अभी मैंने कुछ अभी एक न्यूज़ पे सुना था कि यहाँ पे कुछ पानी वानी की दिक्कत आ रही है आप लोगों को, ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ, पानी की दिक्कत हो जाती है। अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये पाइप में डायरेक्ट पानी है। अच्छा, उसके 2 कनेक्शन है, ये कनेक्शन नीचे जाता है ठीक है एजेंसी में, और एक जब नीचे पानी खुलने लग जाता है तो फिर यहाँ पानी नहीं आता। अच्छा कहने का मतलब ये कि जो पूरा पानी फोर्स के साथ नीचे चला जाता है, अगर जब वहाँ बंद होगा तभी जाकर पानी आएगा, तभी यहाँ पानी आएगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि कल यहाँ पे दिक्कत हो गई थी पानी की काफी। अच्छा अच्छा, अब तो आ रहा है वैसे पानी, आज आया था। अच्छा आया, कल थोड़ा कल वही प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आप लोग कितने लोग हैं अभी? यहाँ पे हम हैं 19 लोग, 3 बच्चों सहित। अच्छा अच्छा, तो आपको सभी को 8 दिन हुए हैं या अभी अलग अलग? नहीं नहीं, किसी को 8 दिन हुए हैं, किसी को 7 दिन हुए हैं, किसी को 5 दिन हुए हैं। कोई है सर जो 2-1-2 दिन हुए अभी? नहीं 1-2 दिन वाला कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सब ठीक है वैसे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रॉब्लम नहीं किसी को। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या बताया? अपना धर्मपाल सिंह। ठीक है, ये थे मेरे साथ धर्मपाल जी जो यहाँ पे इस टाइम क्वारंटाइन में है और अपने 14 दिन का टाइम पूरा कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ पे इनका ये कहना है कि थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम वो तो फेस होती हैं, जो कि क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे जो बनाया हुआ है यहाँ पे पानी की पहले से भी शायद क्लियर रही होगी, लेकिन सरकार से ही गुजारिश करेंगे कि आप लोग प्लीज़ ध्यान दें क्योंकि ये लोग बाहर जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था या जो चीज़ें इनको अवेलेबल करा सकते हो उनको कराएं। धन्यवाद, वॉइस ऑफ माउंटेन नैंडा। दोस्तों आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेन और मैं इस टाइम हूँ नैंडा ब्लॉक में संतोष जेठी जो खंड विकास अधिकारी हैं यहाँ पे। तो उनसे मेरे कुछ सवाल हैं कि अभी जिस तरह से जो भी क्षेत्र पंचायत अधिकारी है, प्रधान है, तो उनके द्वारा खाद्य सामग्री किस तरह से उनके पास पहुँच रही है, क्योंकि प्रधानों की भी कुछ अभी शिकायतें चल रही हैं कि हमारे पास अभी खाद्य
पदार्थ खाना खाने की कोई चीजें नहीं आ रही हैं जिससे हम सेंटर में उनको दे सकते क्वारंटाइन सेंटर में। तो सर आप बताइए इसमें कुछ अभी इस तरह का कोई अभी आया हुआ सरकार की तरफ से? इसमें अभी हमें जिले की ओर से लेटर आया है कि जो भी अपना सक्षम लोग हैं जो अपना व्यवस्था कर सकते हैं वो अपना घर से व्यवस्था करेंगे अगर उन्हें अपने स्कूल में या पंचायत घर में रखा गया। जी सर ठीक है। जो जिनके दिक्कत है जिनका घर परिवार से गरीब है जो लोग तो उनके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। अभी 100 फूड पैकेट हमारे आए हैं जिले से। अच्छा। तो हमने नया पंचायत स्तर पर जैसे 10 क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, 10 नया पंचायत है हमारी तो हर जगह पर हमने एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। जी सर। तो वहाँ हम राशन उपलब्ध करवा रहे हैं। जी जी। तो वहाँ पर जैसे किसी का घर दूर पड़ रहा है बहुत वहाँ से अगर ऐसी किसी को समस्या आ रही है किसी का घर परिवार काफ़ी गरीब लोग हैं वो लोग नहीं कर सकते तो उनको हम खाना बना के वहाँ भोजन माता के थ्रू खाना बना के वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रधान के थ्रू भी आप मतलब इस चीज को कर रहे हैं? हाँ, राशन के फूड के पैकेट भेज रहे हैं यहाँ से। अच्छा ये फूड के पैकेट अभी आए हैं पहले से सर? ये परसों आए हमारे पास। अच्छा गवर्नमेंट तरफ से परसों आपके पास पहुंची? उससे पहले तहसील में आए हुए थे। अच्छा अच्छा। तहसील से वो इंडिविजुअल जैसे किसी घर परिवार में दिक्कत हो तो वहाँ पे दे रहे थे लेकिन अभी क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ व्यवस्था करने के लिए अभी हमारे पास कुछ पैकेट आए हैं तो हमने जो नया पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं जी जी वहाँ पे हमें फूड पैकेट भेजे हमने 3-4 जगह भेजे थे और भेज रहे हैं। अच्छा जिस तरह से सर अभी प्रवासी हैं जिस तरह से वहाँ से रिवर्स पलायन हो रहा है और गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि अब रिवर्स पलायन में हम लोग इसे कोई अच्छी सी स्कीमें लेके आई है तो सर आपका इसमें कुछ व्यू सर किस तरह से यहाँ पे हम लोग पिछले साल पहाड़ों से पलायन लगातार होते जा रहा है जी यहाँ पे इस तरह कोई सर कोई स्कीम आपके आइडिया के हिसाब से कुछ आपका व्यू सर? जो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनकी डेली इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ रही है। जी सर। तो उसके इन्फॉर्मेशन के साथ में हम ये चीज़ भी ले रहे हैं कि वो जहाँ से आए हैं वहाँ क्या करते थे और यहाँ पे रह के क्या करना चाहते हैं। जी जी जी। ठीक है ना। कोई जैसे स्वरोजगार करना चाहता है कोई कृषि के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है जी जी तो सारा फीडबैक ले रहे हैं और उसका एक डाटा बेस बना रहे हैं। अच्छा। अभी इमीडिएट तो हमारा जैसे किसी को अगर ये दिक्कत है जैसे 14 दिन पूरा कर लेता है कोई मनरेगा के तहत मजदूरी करना चाहता है तो उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। तो इमीडिएट हम उनको सपोर्ट कर सके मनरेगा के थ्रू। अच्छा। और इसके अलावा बहुत सारी हमारी ग्राम विकास की योजनाएं हैं जी जी जैसे NRLM है ये मनरेगा के तहत भी हम लोग इनको कई सारे एसेट बना के देते हैं जी जी। दूसरा पशुपालन विभाग की कृषि विभाग की उद्यान विभाग की अलग अलग विभागों की योजनाएं हैं तो जो भी इंटरेस्टेड है इनमें से जी जी तो उन लोगों को हम लोग अलग अलग विभाग की जो योजना है उनसे सपोर्ट करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा जी जी हमारे जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं कि उन लोगों पर खास फोकस किया जाए। अच्छा। और इनको रोकने का यहाँ पे अधिक से अधिक उपाय किए जाएँ यहाँ पे रोकने के। अच्छा। और जितना हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं इनको इनकी आजीविका हम यहीं पर हम उसकी व्यवस्था कर सकते एज पर स्किल आप उन पे उनको यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि आप उस तरह का दिया जाए डाटा बेस ले रहे हैं हम कि जो भी जिस फील्ड में जो करना चाहते हैं जी तो उसमें जो जो भी हम स्वरोजगार के माध्यम से उनको लाभान्वित कर सकें जो जो भी हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें वो अलग अलग स्कीम के माध्यम से अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से वो प्रोवाइड करें। अच्छा सर अभी गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक स्कीम वो निकली है चकबंदी के लिए जो आपने अभी न्यूज़पेपर में देखी होगी गवर्नमेंट ने यहाँ पे लागू कर दिया चकबंदी किस तरह से प्रोसेस था उसके बारे में सब कुछ कहना चाहेंगे चकबंदी के बारे में क्या कितना उसका तो जैसे तहसील के माध्यम से होता है ना तो हमें अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये थे मेरे साथ साथ थे संतोष जेठी जी जो खंड विकास अधिकारी हैं तो आप देख रहे थे वॉइस ऑफ माउंटेन लगातार आप छोटी मोटी खबर के लिए आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद। मैं संजीव नेगी मेरे सहयोगी कैमरामैन गुसाई। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों मैं सौरभ गुसाई आपके साथ वॉइस ऑफ माउंटेन से पहाड़ों की आवाज़ और पहाड़ों की हर छोटी बड़ी खबर के लिए मेरे साथ वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़ को देखते रहें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।